18.4.3 व्यक्तिगत स्तर पर कचरे का प्रबंधन। कचरे की समस्या केवल गंदगी साफ करके उसे ठिकाने लगाने की ही नहीं है, दरअसल यह दूसरी कई समस्याओं से भी जुड़ी है। उचित कचरा प्रबंधन व्यवस्था में इन सभी समस्याओं का भी समाधान छुपा हुआ होता है। इस बात का प्रमाण तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के श्रीनिवास ने दिया। श्रीनिवास गणित में स्नातक करने के बाद रोजगार तलाश रहे थे। तब उनका ध्यान इलाके के बढ़ते कूड़े करकट, बेरोजगारी और बंजर धरती की ओर गया। इन्होंने पंचायत एवं जिला प्रशासन से मिलकर पुराने बस स्टैंड के पास की कूड़े के ढेर वाली जगह कुछ समय के लिए मांग ली। श्रीनिवास ने कूड़े करकट को 18 से 20 श्रेणियों में बांटना शुरू किया। कचरे को इस प्रकार से समूहीकृत किया जिसमें कागज, गत्ता, लोहा, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक आदि को छांटा। छटे हुए कचरे को कबाड़ी को बेच दिया। बाकी बचे गलने वाले कचरे को फिर से कई भागों में अलग किया। इसके बाद जानवर रखने शुरू किए। श्रीनिवास इस कचरे में से खाने लायक सामान छांटकर उन्हें जानवरों को खिलाने लगे। जानवरों को रखने से कचरे के निपटारे की समस्या का समाधान हुआ। साथ ही ज्यादा मात्रा में गोबर भी मिलने लगा। गोबर का कुछ भाग गोबर संयंत्र लगाकर उपयोग किया गया, जिससे ईंधन की प्राप्ति होने लगी। सड़ा हुआ गोबर खाद के रूप में उपयोग किया जाने लगा। कुछ गोबर व ऐसा भोजन जिसे पशु नहीं खाते थे, उनसे केचुए वाली खाद बनाना शुरू किया गया। वह कचरा जिसे केचुए भी नहीं खाते थे, उसे खुले में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। इस प्रकार के कचरे सड़ने से कीड़े, मच्छर या अन्य जीव पैदा होने की संभावना रहती है। इस संभावना को देखते हुए उन्होंने मुर्गे, मेंढक व छिपकली आदि की मदद ली। इन सभी प्रक्रियाओं से निकलने वाले गंदे पानी के लिए छोटा सा तालाब बनवाया, जिसमें मछलियों एवं बतखों को पाला। उस पानी को ऑक्सीजनीकृत करके खेतों में उपयोग किया। कुछ गोबर से उपले बनाए। इनकी राख का उपयोग साबुन बनाने में हुआ। नींबू व संतरे के छिलके में उपले की राख मिलाकर हाथ धोने का साबुन बनाया गया। इसी प्रकार अंडों के छिलकों को पीसकर पाउडर बना लेते। यह पाउडर मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसे पौधों के खाद के रूप में प्रयोग किया गया। इसके साथ ही हड्डियों का चूरा, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, भी खाद बनाने में प्रयुक्त हुआ। कचरे में मिले बाल आदि को अलग कर व्यापारियों को बेचा गया। उपर्युक्त कार्यों से श्रीनिवास ने जैव निम्नीकृत हो सकने वाले कचरे के अधिकांश हिस्से का पुनः उपयोग कर वेल्लोर जैसे नगर को पूर्ण रूप से कचरा मुक्त बना दिया। यह कार्य केवल एक शहर में ही नहीं, वरन 4 जिलों के 40 गांव में चल रहा है। इसके और जिलों में फैल जाने की उम्मीद है। उपर्युक्त 3 प्रयासों में से कौन सा प्रयास आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? आप अपने इलाके में कचरे का प्रबंधन करने के लिए इनमें से क्या क्या प्रयास कर सकते हैं?